हाय मायसेल्फ राहुल गाइस, आज हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में बात किया है मेरे पहले वाले वीडियो में, और आपको एकदम एक एक पॉइंट एक एक चीज समझाने की कोशिश की है ताकि आपका जो टेंस पे पकड़ हो अच्छे से हो। तो आज हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे, भविष्य काल। तो यू नो गाइस, सिंपल फ्यूचर भी मॉडर्न इंग्लिश में बोलते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर इंडिफिनिट और सिंपल फ्यूचर, तो इसे कैसे जानेंगे? आपको पता है कि हम कम्युनिकेटिव इंग्लिश की बात करते हैं तो हमको लैंग्वेज पहले अपने इंग्लिश में कोई भी चीज हिंदी को फिर इंग्लिश में हम चेंज करते हैं, या बोलते समय या फिर लिखते समय हो। तो इसमें पहले ध्यान देने वाली चीजें हैं कि इसमें लास्ट में जो हिंदी में होते हैं सेंटेंसेस, उसमें लास्ट में क्या आता है? तो लास्ट में आएगा दा, घी, ठीक है, गे, ये सारी चीजें आती हैं लास्ट में। ऐसे जो टेंसेस होते हैं उनको समझना है कि वो फ्यूचर इंडिफिनिट है, और इसका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। तो इसको मतलब हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब ये हिंदी में, तो मान लो हम समझ जाएंगे कि सेंटेंसेस के लास्ट वाले में गा घी लगा रहेगा तो हम समझेंगे कि नहीं वो फ्यूचर इंडिफिनिट है। लेकिन उसको चेंज करने के लिए, तो गाइस पहले जो सब्जेक्ट है हम उसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को पहले यूज करेंगे, उसके बाद हम शैल विल का यूज करते हैं इसमें। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ विल ही का यूज करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अब शैल विल जब पहले से ही हो रहा है तो क्यों शैल को हटाया जाए। वैसे हम विल का भी यूज कर सकते हैं हर सब्जेक्ट के साथ, शैल का यूज नहीं करने से भी होगा। प्लस वर्ब वन यूज करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे राजू खाना खाएगा, तो राजू खाना खाएगा में ये गा है, गा लास्ट में आ रहा है, हमें ये समझ जाना है कि ये क्या है, फ्यूचर टेंस है, गा लास्ट में, फ्यूचर इंडिफिनिट है। अब इसको राजू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम यहां राजू लिख दिए, ठीक है। खाना का इट होता है, लेकिन हमें विल सेल भी यहां लगाना है तो राजू के साथ। गाइस मैं पहले बता दूं, आई और वी ये ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जिसके साथ हम सिर्फ सेल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ। बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम विल ही का यूज करेंगे। तो राजू विल खाना का इट होगा क्योंकि हमने यहां वर्ब वन यूज करना है, और फूड खाना का, ये समझ में आ गया। अब इसका जो सेकेंड होता है वो होता है फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग देख लेना है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ये होता है, इसके जो पहचानने के नियम होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, देखो रहा था, रहे थे, रहे हैं, वो क्या था, सब में ये कॉन्टिन्यूअस जैसे ही आएगा ये रहा होगा, रहा, लेकिन फ्यूचर में आएगा तो गा लग जा रहा है। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद हम पैटर्न चेक कर रहे हैं, इसके जो पैटर्न होते हैं गाइस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के, इसमें सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद जैसे शैल विल हम लोग एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, तो इसके बाद हमको यहां पे डी यूज करना होता है, प्लस वर्ब फोर होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये पैटर्न पे बनाना है, वह खाना पका रही होगी, रही होगी, ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो इसको हम जब चेंज करेंगे, ये लड़की के लिए है, वह पका रही होगी, हमने यहां पे हेल्पिंग वर्ब देख ले, अपना ये देख लेना है क्या है, होगी है, होगी, होगा रहता तब यहां पे ही यूज करते हैं, लेकिन यहां पे दिस इज फॉर द लेडीज, ये लेडीज के लिए यूज किया गया, हम यहां सी यूज करेंगे गाइस। अब सी के साथ ये विल है, सी के साथ हम विल यूज कर रहे हैं, सिर्फ आई और वी के साथ सेल यूज करना है। तो सी विल बी, पकाना का कुक होता है लेकिन हमको वर्ब फोर यूज करना है तो यहां पे हम कुकिंग लिख देंगे। अब खाना का फूड हो गया,
तो ऐसे करके ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हम सेंटेंस बनाते हैं, और इसको पकड़ने के लिए कोई सेंटेंस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ऐसे लास्ट में जब आएंगे तो हमें अपने माइंड में सेट करना है कि नहीं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, और इसका जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर स्ट्रक्चर यही यूज करेंगे। नंबर थ्री में हमारा फ्यूचर परफेक्ट होगा। प्रेजेंट मैं पहले फिर से बता दूं, प्रेजेंट और पास्ट का जो है, प्रेजेंट पास्ट में मैंने ऑलरेडी जो भी उसके कैसे उसको गेट किया जाए, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाए वो पहले ही बता दिया है, और प्रेजेंट और पास्ट के सारे जो कैटेगरीज हैं, सारे पार्ट्स हैं, उनको भी हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। आज फ्यूचर की बारी है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में गाइस इसको देखो, चुका है ना, सब में चुका रहता है ना, चुका था, चुके हैं वो प्रेजेंट पास्ट में, अब इसमें भी चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, उसके बाद क्या होगा, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सारे जो इसके पहचानने के या आइडेंटिफाई करने के तरीके हैं, इसमें हम पैटर्न इसका जो होता है फ्यूचर परफेक्ट का, उसमें सब्जेक्ट लगा देंगे, सैल विल लगेगा एज ए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सैल है, उसके बाद इसमें का हैव लगता है, उसके बाद वर्ब थ्री यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, जैसे वे लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे, वे लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वे लोग का दे हो जाएगा, तो हम यहां दे लिख दिए, दे के साथ विल यूज करना है, फिर हमें विल के बाद हैव भी यूज करना है, तो दे विल है, प्ले मतलब खेला होता है, लेकिन प्ले का हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, तो दे है प्लेड, उसके बाद हम क्रिकेट लिख देंगे। तो ऐसे करके इसका हम फ्यूचर परफेक्ट का जो भी होगा आइडेंटिफाई करके और उसको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो कि हमारा फोर्थ है वो देखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में गाइस इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे अपने हिंदी लैंग्वेज में, और उसके बाद हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें होगा खाते रहे, खाते जैसे रहे होंगे, खाते रहे होंगे, या फिर रहते होंगे, ठीक है, रहता होगा, या इसमें टाइमिंग जो होता है टाइम दिया होता है, जैसे आप पहले भी आपको बताए हैं, मान लो कि जैसे 5 साल से, 2 महीने से, 3 हफ्ते से, ऐसे करके होता है। तो इसका जो पैटर्न होता है वो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम लोग विल सेल यूज करेंगे ही, उसके बाद हमको हैव भी यूज करना है, उसके बाद बीन यूज करना है, ठीक है, उसके बाद हमें वर्ब फोर यूज करना है, और यदि टाइमिंग का मैटर है तो फॉर सिंस भी यूज करना है, जैसे हमने सिंपल ये प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में पहले भी इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था, और फॉर सिंस के बाद जो भी टाइम होगा उसको ऐड करना है। जैसे वे लोग
दो साल से वे लोग दो साल से एक घर बना रहे होंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, दे विल लगाना है, हैव उसके बाद बीन लगेगा, बनाना का बिल्ड होता है, बिफोर होगा बिल्डिंग, एक घर का हाउस, फॉर लगाना है, कितने दिन से है, दो साल से है, तो फॉर टू इयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये हम लोग सेंटेंस भी ऐसे करके जो भी है आइडेंटिफाई करके और इसका जो सेंटेंस है वो हम लोग बना लेंगे। ऐसे ही जो सेंटेंसेज होते हैं गाइज वो होते हैं इसमें, और इसको इसी तरीके से हमको आइडेंटिफाई करके बनाना होता है। तो थैंक यू, आई होप दैट ये जो फ्यूचर टेंस है मैं सिंपा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का भी जो लिंक है वीडियो का वो इसमें डालूंगा, ताकि आप पहले उन चीजों को देख लें, उसके बाद फ्यूचर टेंस को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद गाइस पहले तो जरूरी होता है हमको प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हमेशा आप दो दो चार चार जो सेंटेंसेज है चाहे वो प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो, चाहे फ्यूचर के हो, उसको करते रहना है ताकि आपकी जो एक कंटिन्यूटी है वो बनी रहे, अदरवाइज हम उसको भूल जाते हैं। सो जाने से पहले एक बार कह देता हूं, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरा जो भी है वीडियो का वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि मेरा कोई भी वीडियो पहले हो तो आप तक पहुंच जाए आपके मोबाइल तक। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड कमेंट।